अब खबर अकोला से है, जहां मिडास कंपनी के गोदाम से चोरी हुए 600 बोरों में भरी 300 क्विंटल तुअर को जब्त करने के साथ मामले के आरोपी पिता पुत्र अब्दुल फारूक अब्दुल खालिद और उसके बेटे गुलाम ख्वाजा को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के एक विशेष दस्ते ने किया। बता दें कि खास बात यह है कि तुअर के बोरों से लदे ट्रक की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्रक मालिक और उसके बेटे ने की थी। मिडास कंपनी के मालिक बंसीधर साधवानी की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में इस मामले में एलसीबी ने ट्रक मालिक को हिरासत में लेते हुए गहन पड़ताल की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए नगद सहित चोरी की गई तुअर दाल के बोरे एवं ट्रक कुल 51,60,000 का मुद्दे माल पुलिस के हवाले किया है। छह तारीख को MIDC अकोला से मिडास कंपनी से एक ट्रक जिसमें 600 कट्टे तुअर दाल थी वो चोरी होने की कंप्लेंट 12 तारीख को कंपनी के मालिक बंसीधर साधवानी जो SP सर को आके मिले कि ये उनकी तुअर चोरी की कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। अकोला SP श्री लक्षण सिंह सर उनके आदेश से MIDC पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ। तुअर की कीमत लगभग 37 लाख थी। सीरियस ऑफेंस होने की वजह से SP सर ने हमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दिया था। तो हमारा एक टीम इस काम को लगाता है इन्वेस्टिगेशन में। 3 दिन बाद टेक्निकल कुछ एविडेंस और खबरी के माध्यम से हमें पता चला कि इसमें ट्रक मालिक का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसका खाली ट्रक दूसरे दिन बोरगांव रोड पे मिल चुका था। सिर्फ तुअर चोरी की कंप्लेंट थी। तो मिले हुए सबूतों के आधार पे हमने ट्रक मालक जिनका इन्वॉल्वमेंट है वो उसका लड़का तुअर खरीदने वाले और जो पर्सन उन्होंने कुछ 9 लाख रुपए ऑनलाइन दिए थे ऐसे 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए। तुअर ट्रक के साथ सीज किया, जो पैसे उनको मिले थे उसमें से 7 लाख कैश सीज किया और वो पूरा मुद्देमाल और आरोपी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए MIDC पे सौंप दिया।